लाइव 24 पर आप सभी का स्वागत। मैं अरुणा त्यागी। फसलों की उचित कीमत ना मिलने से नाराज किसानों ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि किसानों के बाजरे की फसल की कीमत उचित दाम पर नहीं मिल रही है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि बाजरे की फसल को 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल में ही खरीदा जा रहा है। बता दें कि किसान नेता मुकेश डागुर के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान मंडी स्थल पहुंचे थे। हालांकि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने आनन फानन में लेबी खुलवाकर खरीदारी शुरू कर दी। इस मौके पर किसान नेता मुकेश डागुर ने प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है। किसान का इस समय बाजरा कट गया है और कट के वो उसे मंडियों में ला रहा है। मंडियों में बाजरे की कीमत उसको 1600-1700 रुपए मिल रही है। सरकार ने बाजरे की MSP 2500 रुपए घोषित की थी। सरकार ने घोषणा की थी कि 1 अक्टूबर से किसानों का बाजरा MSP पर खरीदा जाएगा, लेकिन इन अधिकारियों की बेईमानी के कारण किसान का बाजरा आज तक लेबियों पर नहीं बिका है, लेबियां नहीं खुली हैं। ये 3-4 दिन से अखबारों में किसानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। एक दाना किसान का बाजरा MSP पर नहीं खरीदा गया है। किसान को 700-800 रुपए क्विंटल का घाटा है। किसान लगातार घाटे की खेती कर रहा है और वो कर्ज में डूबता चला जा रहा है। हम किसान के फसल की पूरी कीमत की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। किसान की खून पसीने की मेहनत की कीमत मांगने के लिए यहाँ आए हैं।